कमेंट करके मुझे जरूर बताना इस बार के आईपीएल में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप कौन से प्लेयर लेने वाले हैं। ऐसे लगा दर्द होगी, सहन कर, अभी इतनी बॉल लगी थोड़ा सोर से खुद। बहुत बढ़िया बैटिंग थे गगन। आप सभी के लिए तो ये फर्स्ट टाइम होने वाला है, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा क्रिकेट कार्डियो डे नाइट का मैच आप सभी को दिखाने वाला है। गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग ऑफ क्रिकेट कार्डियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज भाई आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि बड़े टाइम के बाद आज आपका भाई डे नाइट मैच खेलने वाला है। तो आप सभी के लिए तो ये फर्स्ट टाइम होने वाला है, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा क्रिकेट कार्डियो डे नाइट का मैच आप सभी को दिखाने वाला है। 4:30 के आसपास टाइम हो चुका है। इसमें क्या होने वाला है देखो, 5 के आसपास हमारा मैच शुरू होगा। डे में शुरू होता है मैच और नाइट में खत्म होता है। नाइट में मतलब लाइट्स वाइट्स ऑन होंगी, बहुत बढ़िया ग्राउंड का लुक आप सभी को देखने को मिलेगा। और लेट्स सी आज का दिन कैसा रहता है। और भाई जो भी लोग देख रहे हो व्लॉग को लाइक जरूर कर देना और इंस्टाग्राम पे आप अपने भाई को फॉलो जरूर करना क्योंकि उस पे अलग अलग छोटी छोटी शॉर्ट्स वीडियो आती हैं, तो वो जाके जरूर देखना। इंस्टाग्राम cricket.cardio है हमारा इंस्टाग्राम, तो प्लीज जाके वहां पे फॉलो जरूर करना। और भाई मेरे कॉलेज के एक दो दोस्त भी आने वाले हैं तो उनको भी दिखाता हूं जिनके साथ मैंने कॉलेज में खेला है। 5 मैच शुरू के लिए बोला था, 4:30 रिपोर्टिंग टाइम था, लेट चल रहा है, ज्यादा दूर नहीं है यहां से, फटाफट से हम पहुंच जाएंगे। और किट-विट देख लो यहां पे हम रख चुके हैं, ये रहा छोटा वाला बैग हमारा। और भाई जो भी लोग इस व्लॉग को देख रहे हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना इस बार के आईपीएल में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप कौन से प्लेयर लेने वाले हैं। तो भाई अब चलते हैं फटाफट से यहाँ से ग्राउंड की तरफ, सीधा मैं आपको ग्राउंड में मिलूंगा और देखते हैं कौन कौन आ रखा है और कैसा ग्राउंड है। भाई आपका भाई आ चुका है ग्राउंड पर। और भाई मैं सोच रहा था मैं ही लेट हूँ, देख लो आपके भाई की गाड़ी आई है बस सबसे पहले। और ये रहा ग्राउंड और ये बिल्डिंग अगर आपको याद हो तो अभी भाई वेट ही कर लेते हैं, सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी है। देखो ना यहाँ पे कोई और गाड़ी है ना यहाँ पे, एक ही गाड़ी है, ये तो ग्राउंड वालों की है शायद। 5 मैच शुरू होना था भाई साहब, हो जाएगा। अरे चेन्नई का मैच है के? तो भाई अपने दो दोस्त तो आ चुके हैं, यार अभी तक तो कोई आया नहीं था, तो अभी थोड़ी बहुत गाड़ियां आ रही हैं तो हम वेट कर रहे हैं और आईपीएल का मैच देख रहे हैं साथ में। और इसमें भी हेड आ चुकी है भाई, बहुत गर्मी है, अभी बाहर जाके टेम्परेचर देखेंगे। भाई इससे मिल लो, ये है गवीश, डेलॉयट में ना, ये भी डेलॉयट में हमारे वेंकटेश्वर अय्यर, बट ये बॉलिंग ज्यादा करते हैं। कब छोड़ रहे हैं डेलॉयट इंडिया खेलने के लिए? बस नेक्स्ट मंथ। 43 डिग्री सेल्सियस भाई, बहुत ज्यादा गर्मी है। और विकेट देख लो यार, ओपोनेंट टीम यहाँ पे टॉस जीत चुकी है और वो अभी डिसाइड करके बताएंगे। और विकेट देख लो, पाटा लग रही है भाई। यहाँ पे आपका भाई एक मैच ऑलरेडी खेल चुका है, ये इस बिल्डिंग से आप सभी लोग पहचान जाओगे, सामने बिल्डिंग आती है। और विकेट ये है, लेट्स सी हमारा क्या आता है, बैटिंग आती है फिर बॉलिंग आती है। गर्मी बॉलिंग भाई, कीपिंग करने हैं आपके भाई को। दोस्तों मैच को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूं जिसपे आप अपनी प्रिडिक्शन और एनालिटिकल स्किल्स का यूज करके खूब सारी क्रिप्टो जीत सकते हो। प्लेटफॉर्म का नाम है प्लॉटएक्स। अब चलिए देखते हैं प्लॉटएक्स पे आप कैसे कमा सकते हो। सिंपली दोस्तों आपको plotx.io पे जाना है और इसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। अब इसके बाद आपको या तो अपनी ईमेल आईडी या फिर फेसबुक के अकाउंट से आप इसमें लॉग इन कर सकते हो। सिर्फ 2 क्लिक में आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। अब आप प्रिडिक्शन करने के रेडी है तो प्रिडिक्शन कीजिए और क्रिप्टो कमाना शुरू कर दीजिए। इसमें क्रिकेट के कॉन्टेस्ट भी चल रहे हैं। अब आपका जो भी पसंदीदा आईपीएल का मैच है उसमें चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस के आपको आंसर करने पड़ेंगे और अगर आपकी प्रिडिक्शन सही रहती है तो आप जीत सकते हो क्रिप्टो। आपकी विनिंग्स होंगी प्लॉट के रूप में। अब प्लॉट है इन गेम टोकंस, इसको आप अपने web3 वॉलेट में विथड्रॉ करा सकते हो और वहीं पे आप अपने प्लॉट को कन्वर्ट कर सकते हो फ्लैट करेंसी और क्रिप्टो में। तो दोस्तों कुछ इजी क्वेश्चंस के आंसर प्रिडिक्ट कीजिए और खूब सारे क्रिप्टो कमाइए। आप सभी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे दबाइए और जल्दी से अपनी प्रिडिक्शन शुरू कर दीजिए। तो भाइयों मैं आप सभी को ग्राउंड दिखा देता हूँ, यहाँ पे विकेट है, ये रहा ग्राउंड, ये बिल्डिंग आप सभी पहचाने होंगे और यहाँ पे नेट्स होते हैं देख सकते हो।
बस पहली बॉल बहुत ही रुक गया ये वाली। आउट आउट है, आउट है, आउट है, आउट दे दिया, दे दिया, दे दिया, क्लियर आउट है, क्लियर आउट है, आउट है, आउट है, आउट है, आउट, वन टू थ्री, जय माता दी, क्लियर आउटसाइड एज लगी थी बैट्समैन की और अब दूसरे बैट्समैन आ चुके हैं। पहला ही ओवर मेडन विकेट, कैच, अरे गवीश बहुत रुक के आ रही है गाइस, बहुत रुक के आ रही है। अगर बॉल विकेट से रुक के आती है तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा, जितना हो सके उतना लेट खेले बॉल को। बैटिंग, कोई नहीं लवली, गुड बैकअप, गुड बैकअप, शाबाश, गाइस एक और विकेट गिर चुकी है, सेकंड विकेट कैच हो गए हैं भैया, बहुत ही गंदा शॉट, गुड कैच भैया, गुड कैच, एक और विकेट गिर चुके गाइस, सेम पिछले वाली जैसी, तीन विकेट आउट हो चुके हैं, इसी के साथ चार विकेट गिर चुकी है। एक गवीश भाई ने कॉटन बोल्ड भी कर दिया है, गुड डन, गुड डन, शाबाश, छह, बाहर से डालोगे यार, उधर सामने से डाल दे यार, आहा, आ जाना, आ जाना, बॉल बॉल बॉल, डायरेक्ट दो, डायरेक्ट दो, अब तो नहीं लग रहा है, लेग स्पिनर की रुक रही है, लेग स्पिनर की तो रुकी है। गाइस 10 ओवर पूरे हो चुके हैं और दूसरी टीम के 49 रन से और 5 विकेट गिर चुके हैं, अब देखते हैं भाई, अब इस वाले एंड से बैटिंग होनी है और उधर से बॉलिंग होगी। 10 ओवर 49 रन 5 विकेट्स, बोल्ट, गुड वन, गुड वन, ऊपर, आहा, ओ, ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आउट इट, गाइस आपको अपने बॉलर का साथ देना होता है अपील के लिए, तो अपील आप सभी ने देखी होगी, आपके आवाज़ चुभी भी होगी थोड़ी वीडियो में, तो मैं साउंड थोड़ी सी कम कर दूंगा, बढ़िया भैया आप बताओ, लेफ्टी लेफ्टी भाई लेफ्टी, एक आप वहीं रहो, एक बंदा इधर आ जाओ,
रहा है यार। कैच टेकन टेकन कैच किया। हां जी हां जी बॉलिंग बॉलिंग बोले यार How's that? Ah, danda. जहर गया तो नहीं मारेगा गया। बहुत ही बढ़िया गूगली बॉल, बैट्समैन पढ़ नहीं पाए, रीड नहीं कर पाए, लास्ट विकेट इसी के साथ। अभी जब तक उजाला रहेगा तब तक लाइट ऑन नहीं होगी, डे नाइट इसको कहते हैं। अभी डे चल रहा है, थोड़े ही टाइम में हमारी बैटिंग तक लाइट्स ऑन हो जाएंगी। कैच खत्म और इसी के साथ ऑल आउट। क्या टारगेट है भाई? 75। गुड वन गुड वन गुड वन। इसी के साथ एक इनिंग खत्म हो चुकी है, दूसरी टीम 75 रन पे ऑल आउट हो गई है भाई। फर्स्ट डे एंड नाइट मैच और इसी में लो स्कोर 75-76 टू विन है। बट जैसा हमने विकेट को सोचा था वैसी विकेट बिल्कुल नहीं है, विकेट बहुत ज़्यादा रुक रही है यार। स्टार्टिंग में तो पेसर हो गई तो हद ही हो गई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक रात रुक के बॉल बैट्समैन तक आ रही है। अब देखते हैं, अब अंधेरा होने वाला है तो लाइट्स कुछ ही देर में ऑन हो जाएंगी। आपका सर बॉलिंग हुई और भैया गायब, तीन विकेट लेके चलो चलो खेलना शाबाश। अभी धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है और ये बेहतरीन फ्लिक एक रन के लिए। हमारी टीम यहाँ पे बैठी हुई है और देखो वो वाली लाइट जल चुकी है, वो वाली लाइट जल चुकी है, यहाँ वाली भी जल रही है, ये वाली भी जल चुकी है, तो चारों लाइट। अभी देखो अभी तो भी रोशनी है बट थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। और आपका भाई देखो पैडअप वैडअप हो चुका है। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछते रहते हो, आप भैया बैटिंग मैच में करने से पहले कौन सी प्रैक्टिस करते हो? तो एक छोटी सी ड्रिल है, वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। अपने सब कुछ देखिए, ग्लव्स ग्लव्स पैड वैड पहन के, और जिस बॉल से आपका मैच है वो लीजिए, और सिंपल ही है। ये देखिए ये वाली ड्रिल, जितना हो सके बैट के मिडल से ट्राई कीजिए कि बैट के मिडल पे बॉल लगे, ठीक है। एक ये ड्रिल मैं बैटिंग से पहले ज़रूर करता हूँ, थोड़ा फोकस बन जाता है। अब सीधा चलेंगे हम मैच के अंदर और देखते हैं कैसी रहती है आज आपके भाई की बैटिंग। मीनवाइल काम आ रही है, दर्द होगी सहन दर्द अभी बॉल लगी थोड़ा सा अपने दस गम होगा। थैंक यू भाई। हमारा जो दूसरे बैट्समैन थे वो नॉन स्ट्राइकर पे थे, स्ट्राइकर भैया ने सीधी मारी और सीधी उनके हाथ पे लग गई, तो वो बाहर जा चुके हैं। थोड़ी ज़्यादा तेज़ लग गई, बहुत तेज़ लगी बॉल, बाहर बैठ के वाइसिंग वाइसिंग करेंगे। स्ट्राइक किसके हैं? ठीक हाँ बॉल डाल रहे हैं, ठीक है। रुक रही है बॉल अभी, बॉलिंग है भूपी, शाबाश बॉय। बैट है, बैट बैट आ जाओ।
आ जाओ आपकी कॉल है, आपकी कॉल है। या दो देखना, एक ही है। ये तो बाहर ही मार दी, कंपटीशन करते हैं लंबे चक्कर। ठीक है, आप जीत रहे हो अभी। या लगता है सही रहा है। गुड शॉट भैया। गाइस पिकअप शॉट, लो फुल टॉस थी, पिक कर ली और छक्का। गुड शॉट भैया। चढ़ी नहीं, स्टिकर पे आ गई। बोल भैया, बोल यार, नॉट यार। शाबाश भैया, एक्सीलेंट गेम टुडे। ठीक है, बहुत बढ़िया बॉलिंग एफर्ट थी स्टार्ट में, बहुत बढ़िया बैटिंग। ठीक है गगन एंड भरत की तरफ से एक्सीलेंट बॉलिंग, बहुत बढ़िया बढ़िया छक्का था यार। थैंक यू। चलो चल गगन, ओके 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 भैया, थैंक यू। आपके भाई का मैच खत्म हो चुका है और हमारी टीम को भाई सिर्फ 75 रन्स का टारगेट मिला था। टारगेट चेज कर लिया है 10 ही ओवर में और आपके भाई के 27 रन है 24 बॉल में और 2 छक्के मारे हैं, 1 चौका मारा है। बहुत ही आसानी से आपकी भाई की टीम मैच जीत चुकी है, जैसा मैंने आप सभी को लास्ट ब्लॉग में प्रॉमिस करा था। आपका भाई जरूर वापस आएगा, तो आज आपके भाई की और यहाँ पे एक और मैच चलता हुआ तो उसकी अपील आप सभी को सुनाई दे रही होगी। आज मैं उस टच में नजर आया हूँ और 2 बहुत ही प्यारे छक्के और 1 चौका मारा आपके भाई ने। मजे आए आज बैटिंग करके ओवरऑल, और फर्स्ट टाइम मैंने मतलब इस सीजन में डे नाइट मैच खेला होगा, पहले भी मैंने खेल रखा है बट इस सीजन का आप सभी ने पहली बार मेरे ब्लॉग्स पे देखा होगा डे नाइट मैच। और देखो अब नाइट मैच शुरू हो चुका है और आपका भाई आज नॉट आउट आया 27 रन मार के अपनी टीम को जिता के 10 ही ओवर में। बहुत ही जल्दी मैच खत्म हो गया और अब ये दूसरा मैच चलता हुआ, वहां पे थोड़ी बहुत ऑडियंस भी बैठी है। आज आपके भाई ने एक वहां पे मारा भाई बहुत लंबा छक्का, वो इस मैच का सबसे लंबा छक्का रहा होगा। तो अब चलते हैं भाई घर पे, आज के मैच छोटा ही हुआ यार। मैं सोच रहा थोड़ी और बैटिंग होती, आज टच अच्छा आ रहा था, मैं शॉट्स अच्छे कनेक्ट हो रहे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लो फील कर रहा था मैं क्योंकि टच अच्छा नहीं था, उसके बाद धीरे धीरे टच वापस आया और आपका भाई का पल्ला बोला, फाइनली बोला। लेट हो चुके हैं, हम ऑलरेडी घर जाके नहाना धोना भी है, तो लेट्स गो। इट वाज अ गुड मैच, वेरी गुड मैच फॉर अस, वन साइडेड विक्ट्री। तो भाई एक छोटी सी मस्ती करने का मन कर रहा है मेरा, अभी घर जाऊंगा मैं और मम्मी को मैं जाते ही बता देता हूँ मैंने क्या किया आज के मैच में। तो आज भी मैं आज जाके मम्मी को छोटा सा एक झूठ बोलेंगे और मम्मी के मजे लेंगे। मैं बोलूंगा मम्मा आज भी खराब फॉर्म रही है, 0 पे
आउट हो गया पहली बॉल पे, क्या करूं। मम्मी का पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, मम्मी कैसे रिएक्ट करेगी और ये सब आप सभी को दिखाते हैं। मां बैड फॉर्म कंटिन्यूज, डक पे आउट हो गया पहली बॉल पे। क्या बात, क्या हो गया गर्मी थी इसलिए? न गर्मी नहीं, मेरी तो रात में बैटिंग आई थी। बताओ यार क्या करूँ, सब कुछ कर लिया मैंने, लेकिन आज मेरे को लग नहीं रहा। क्या लग रहा था फिर आपको? आज तो कुछ करके आएगा, 30-40 तो अपना है। अच्छा तो नहीं लगता इतने दिनों बाद जाए और टक्कर होकर आए। वही है, बताओ ना अम्मा क्या करा जाए अगले मैच में। अच्छी प्रैक्टिस करना, अगेन बहुत ही निराशाजनक बैटिंग, कोई बात नहीं, 27 रन मारा है, नॉट आउट, वनडे डे। और दो धक्के मारे हैं, देखना ब्लॉग में देख रहा। मम्मी को पता था कि डक पे नहीं आएगा, ये कैसे बोला आपने कि मेरे को नहीं लग रहा 30-40 तो मार के आएगा, ये कैसे? मेरे को लग ही रहा था यार, ये गलत बात है। हाँ। ये तुक्का लग गया मम्मी का सीधा, ये तुक्का नहीं था, मैं सोच रही थी कई दिनों से बिल्कुल नहीं चला तो या तो धीरे धीरे खेलेगा ना, आज तो पूरा आर पार मारे है। तो गाइस आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं। भाई पापा जा चुके हैं, हमारे रूम में बैठ चुके हैं, यहीं पे हम आउटो कर लेते हैं। और भाई आप सभी को मिलेंगे अगले ब्लॉग में, जैसा कि मैंने आप सभी प्रॉमिस करा था, क्रिकेट कार्डियो वापस आ चुका है। अब देखते हैं भाई और आने वाले मैचेस में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। आई होप आप भी इनसे कुछ ना कुछ सीखो, बहुत ही इजी टारगेट था, इजी मैच रहा आज का। और लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना भाई इस आईपीएल में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप कौन से बैट्समैन और बॉलर को मिलने वाली है। भाई ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ऐसे ही आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। आप सपोर्ट करते रहिए, दिल से शुक्रिया जो जो सपोर्ट करते हैं। आपको मिलेंगे जल्दी एक और नए मैच में। जय हिंद, नमस्कार और बाय बाय। लुका के रखिया कि वख ना हो जावी।